हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी आरएसएस के शिकार लंकेश, रवीश और कन्हैया भी हिंदू हैं। क्या अब हिंदुओं को भी भारत छोड़ देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हिंदुत्ववादी राजनीति पर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता आशुतोष ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में देशद्रोही बताकर हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। आशुतोष ने ट्वीट कर लिखा, उन्होंने गौरी लंकेश को मार दिया जबकि वो हिंदू थी। उन्होंने कन्हैया कुमार को पीटा जो हिंदू है। वो रामचंद्र गुहा को राष्ट्र विरोधी कहते हैं जबकि वो भी हिंदू है। वो रवीश कुमार को धमकी देते हैं, वो भी हिंदू है। आशुतोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से इस पर चिंता जाहिर करते हुए पूछा, मोदी जी, भागवत जी, ये सब कब रुकेगा? क्या हिंदुओं को भारत छोड़ देना चाहिए? गौरतलब है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से हिंदू होने की परिभाषा बदल चुकी है। अब हिंदू उसी को माना जाता है जो बीजेपी का समर्थक है, बाकी सबको कथित हिंदू माना जाता है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा तो उनकी पार्टी के खिलाफ बोलने वाले हर हिंदू नेता को सीधे तौर पर जय चंद बता दिया करते हैं। इसी तरह इन दिनों बीजेपी का समर्थक ही असली देश प्रेमी है और जो बीजेपी का समर्थक नहीं है उसे सीधे तौर पर देशद्रोही कह दिया जाता है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा, पत्रकार रवीश कुमार और छात्र नेता कन्हैया कुमार इसी मानसिकता का शिकार है जिसका जिक्र आशुतोष ने अपनी ट्वीट में किया है। कन्नड़ की साप्ताहिक पत्रिका की संपादक गौरी लंकेश को तो बीजेपी आरएसएस की आलोचना करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गौरी राइट विंग कट्टर आलोचक थी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।